बाद नवाज जुमा। हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, बेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पर नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़रात का और उसके बाद सारे अज़ला मिलकर लाहौर जाके इसकी कुलखानी पढ़ाएंगे। फिर गंदम खरीदारी बहरान से तंग, किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 10 तारीख को बाद नमाज जुमा मुल्तान से एहतजाज शुरू होगा। हजारों ट्रैक्टर, जानवर, खवातीन और बच्चे सड़कों पर आएंगे। मुल्तान में ज़रात का अलामती जनाजा, लाहौर में कुलखानी होगी। बोले गंदम दरामद करने वालों ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊँट ज़िबा कर दिया। फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। ईसीसी और समरी लाने वाले तमाम हिस्सादार थे। गंदम दरामद से 1 अरब डॉलर का सरमाया बाहर गया। माफिया ने गंदम मंगवा कर 100 अरब रुपए कमाए। किसानों का 400 अरब का नुकसान हुआ। गंदम स्मगल करने वालों को मुल्क का पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। गंदम इम्पोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। पंजाब में गंदम का नया बहरान पैदा होने का खदशा। 1100 से ज्यादा फ्लॉर मिल्स को गंदम खरीदने में मसाइल का सामना। सरकारी खरीदारी ना होने से 40 लाख टन गंदम मार्केट में इजाफी मौजूद। हुकूमती पॉलिसी और मिडल मैन की हिकमत अमली ने फ्लॉर मिल्स को उलझन और खौफ का शिकार कर दिया। पंजाब में किसान अपनी 70% गंदम फरोख कर चुके हैं। मिडल मैन ने जखीरा कर ली, जो अब महंगी फरोख्त किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदेगी या नहीं कुछ पता नहीं। नून लीग के मरकजी कायदीन बहरान से निमटने के लिए मैदान में आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात मुतवक्के। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। पार्टी जराए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ गंदम जखायर और खरीदारी प्लान पर एतमाद मिलेंगे। मुलाकात के बाद पंजाब में गंदम खरीदारी की हतमी पॉलिसी का ऐलान होगा। मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए। मुशीर तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के तनकीदी वार, कहा अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की गई। वफाक की गलत पॉलिसियों के बायस दरामदी गंदम 820 रुपये फी किलो में पड़ी। वफाक की हुकूमत के पास किसानों को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं। गंदम बहरान की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुबतला हैं। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों और हस्पतालों की हालत ज़ार पर रोना आता है। केपी हुकूमत को फिक्र है, मरियम नवाज ने पहना क्या है, मरियम नवाज काम करती नजर क्यों आती हैं। पाकिस्तान ने सुल्तान असलान शाह हॉकी कप में फतह के झंडे गाड़ दिए। टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम ने कोरिया को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। हनान शाहिद, अरशद लियाकत, गजन फर अली और सुफियान अली ने एक एक गोल किया। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 से हराया था। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1,00,000 इनाम का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात, कहा पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है कौमी टीम इस बार सब्ज हिलाली परचम बुलंद करेगी। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें, मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की ट्रेनिंग का दूसरा रोज। कौमी खिलाड़ियों ने खूब प्रैक्टिस की, हर शोबे में बेहतरी के लिए मेहनत की। फास्ट बॉलर हादी स्टाफ कहते हैं, कोशिश होगी किसी टीम को लाइट ना लें। ओपनर साइन अयूब बोले, वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। बि
बिजली की ओवर बिलिंग पर FIA नहीं नेपरा कार्रवाई करेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने वाज़े कर दिया, कहा नेपरा का ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर हो गया। कौमी असम्बली ने डिस्कोर्स में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दी, FIA सिर्फ निशानदही करेगी, गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। ओवर बिलिंग से मुतालिक वफाकी वजीर तवनाई से मंसूब बयान में कोई सदाकत नहीं, पावर डिवीजन ने वजाहत दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कुछ देर में नौ तामीर शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगी। ओवरहेड ब्रिज की तामीर के बाइस मेट्रो स्टेशन तबाह हो गया था। मरियम नवाज मेट्रो बस में शाहदरा से कजाफी स्टेडियम तक सफर भी करेंगी। मरियम नवाज की पिंक गेम्स की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से कोरिया के सफीर पाक एजन की मुलाकात हुई, जिसमें दोतरफा तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं। पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन। सऊदी अरब का 50 रुकनी आला सतह का तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए इम्कानात का जायजा लेगा। सऊदी तिजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तमीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज की कंपनियां शामिल। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज हल्फ बर्दारी मौखर। हल्फ बर्दारी अब 7 मई को शाम 6 बजे होगी। उधर जाफर मंदोकैल कल गवर्नर बलोचिस्तान का हल्फ उठाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने गुज़श्ता रोज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाया। PTI की लीडर ने 9 मई को आवाम को बरगलाया कि जी आप रोडों पे आए, जितने भी अमला के उनको नुकसान पहुँचाएँ। हम कराची में मौजूद हैं, कराची में ही हमारी बसों को आग लगाई गई, नजर आतिश किया गया, एम्बुलेंसें जलाई गई, जिना हाउस जैसे जगह को भी नहीं बख्शा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को, एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई सोची समझी साजिश के तहत। वो पावर दिखाना चाहते थे इमरान खान और उनके हवारी कि अगर इमरान खान को कुछ किया तो हम ये भी कर सकते हैं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। वानी PTI ने बच्चों और बहनों को इस्तेमाल किया, उनके अपने बच्चे लंदन और बहनें अच्छे माहौल में बैठी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानहा 9 मई करने वाले जेलों में सड़ रहे हैं, किसी को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक है तो वो अपने लीडर का हशर देख ले। शर्जील मेमन का रेड लाइन बस मनसूबे का दौरा। रहनुमा तहरीके इंसाफ शेर अफजल मरवत की गाड़ी को हादसा। DI खान से इस्लामाबाद जाते हुए गाड़ी के 2 टायर फट गए। शेर अफजल मरवत और उनका साथी हादसे में महफूज रहे। सेनेटर एमर वली खान अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब। पेशावर के पाटा खान मरकज में ANP की मरकजी कौंसल का इजलास। अमीर हैदर खान होती ने सेनेटर एमर वली खान का नाम पार्टी सदारत के लिए तजवीज़ किया। असवंद यार वली खान अवामी नेशनल पार्टी के रहबर तहरीक होंगे। मलिक रियाज पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री में नए रुझानात मुतारिफ कराने वाला नाम। बहरिया टाउन के बानी रियल स्टेट इंडस्ट्री में अपनी तब्दीली के नुक्ता नजर के लिए जाने जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CEO वीकली के मुताबिक मलिक रियाज ने रिहायशी मंसूबों के अलावा तजारत, सेहत, तालीम, मेहमान नवाजी की सहूलियात की भी बुनियाद रखी। बहरिया टाउन और मलिक रियाज ने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। मलिक रियाज को मुख्तलिफ अदवार में सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता रहा, मगर अदालतों में कुछ भी साबित नहीं हो पाया।